आलोट नगर का अमन पिता एहसान 20 वर्ष निवासी मेवातीपुरा आलोट का सैंपल भी चला गया और जांच भी हो गई और रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई, जिसको लेकर परिवार में काफी रोष व्याप्त है। जब घर से यह कहीं गया ही नहीं और कहीं सैंपल दिया ही नहीं तो सैंपल चला कैसे गया और मोबाइल पर मैसेज भी आ गया। वही लुकमान खान एडवोकेट ने बताया है कि मेरा भतीजा 22 तारीख को कहीं गया ही नहीं था तो रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई है। वही प्रशासन की लापरवाही की जांच की मांग करते हुए मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं प्रभारी मंत्री मोहन यादव एवं कलेक्टर रतलाम को पत्र लिखकर जांच की मांग की है और जिसने यह जानकारी दी है उस पर कार्रवाई की मांग कर डाली है। जब मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला है कि 22 मई को आलोट पुलिस प्रशासन द्वारा आलोट में बगैर ई पास के घूमने वाले 55 लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी। तब उन्हें अम्बेडकर भवन में अस्थायी जेल बनाकर लोगों को वहां पर रखा गया था। तभी उस समय कोविड टेस्ट भी उनका करवाया गया था। तभी किसी ने अपना नाम अमन पिता एहसान बताकर उसका मोबाइल नंबर दे दिया था। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेल में बंद अस्थाई लोगों पर कोविड टेस्ट कर दिया गया था और इस आधार पर मैसेज संबंधित के पास पहुंच गया और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े खेल चल रहा है वह कितना सच है। क्या प्रशासन उस व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा जिसने नाम नंबर लिखवाए? उक्त रिपोर्ट अमन के नाम से आई है और क्या इस पर प्रशासन गंभीरता से इस पूरे मामले को लेगा या यह भी जांच का विषय बनकर रह जाएगा और इस पर जो 151 की कार्रवाई हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए परिवार में प्रशासन के प्रति रोष है। अमन में अमन जी, पता लगा है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, पूरा क्या मामला है पूरा विस्तार से बताएं। 22 तारीख को 3:30 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, जबकि मैं ना तो घर से बाहर गया, ना ही मैं कहीं डॉक्टर के वहाँ गया, ना ही मैंने किसी को सैंपल दिया और ना ही किसी ने मेरा सैंपल लिया, फिर भी मेरे पास मैसेज आता है कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद अगले दिन मेरे पास 23 तारीख को मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई है, जब ना तो मैंने किसी को सैंपल दिया, ना मैं कहीं गया और मैं घर के अंदर ही हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अलावा घर से तो बाहर कहीं गया नहीं मैं। उसके बाद भी मेरे पास रिपोर्ट आती है और फिर एक डिटेल आती है मेरे पास सारी मेरी, उसमें डिटेल में कहा जाता है कि आपका सैंपल ले लिया गया है और उसमें पिताजी का नाम, मेरा नाम, सारी डिटेल आती है उसमें, सब कुछ आता है और फिर बोला जाता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव, तो ये रिपोर्ट कैसे आई नेगेटिव? आप कहाँ पर रहते हैं? मैं मेवातीपुरा आलोट में रहता हूँ। ऐसे देखा गया है कि चेकिंग के दौरान ये जो रिपोर्ट ली गई थी प्रशासन के द्वारा और वहाँ की रिपोर्ट के जरिए आपके पास मैसेज आया है, तो क्या आप बाज़ार में गए थे? बाज़ार में मैं कहीं नहीं गया और ना ही मुझे कभी प्रशासन ने रोका और ना ही मैं ओपन जेल में गया हूँ। ये आप इसको प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या बात करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि मुझे जवाब चाहिए कि मैं कहाँ गया, ना तो मैं घर से बाहर गया हूँ, ना मैंने किसी को टेस्ट दिया है और ना ही मैं कहीं इधर उधर घुमा था जो प्रशासन ने मुझे पकड़ा या फिर मेरी कोई रिपोर्ट ली है, फिर भी मेरे पास मैसेज आता है 22 तारीख को कि आपका टेस्ट हो चुका है और अगले दिन मैसेज आता है कि आप नेगेटिव हैं, तो ये कैसे हुआ? आपका अपना मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9669037606। पूरा मामला क्या है और आखिर आप क्या चाहते हैं? असल में मामला ये है कि अमन मेरा भतीजा है, इसके मोबाइल पर 22 तारीख को एक मैसेज आता है कि आपका कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद फिर लगातार 3 मैसेज और आते हैं कि आपका कोविड टेस्ट जांच की
जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और पूरा एक जो लिंक थी उस पर जाके जब उसको चेक किया तो वास्तव में मेडिकल कॉलेज रतलाम की रिपोर्ट थी। मेरे भतीजे ने कहीं भी 22 तारीख के दिन घर से बाहर नहीं निकला, और ना ही कहीं पुलिस थाने में गया, ना कहीं अस्पताल गया, और ना ही बाहर कहीं रोड पे घूम रहा था। पता नहीं अमन के नाम से जो जांच है ये वो किस प्रकार आई है, इस ये जांच का विषय है। और शासन प्रशासन पर कई तरह के सवाल इस रिपोर्ट से पैदा हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो, और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा जरूर प्राप्त हो। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसके पास रिपोर्ट जा रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें गलती है, जबकि मेरा भतीजा अमन मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से प्रसारित करना वास्तव में कोविड-19 में कितनी लापरवाही चल रही है इस बात की पोल खोलता है। और ये गलती पुलिस प्रशासन की है या मेडिकल विभाग की है या और अन्य किसी की है, जिसने भी जिसकी भी गलती है उसको उसकी सजा जरूर मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए आलोड से राकेश चौहान की रिपोर्ट।